वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार इतने सारे पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं और हम सबके यार कोई ना कोई तो फेवरेट पोकेमॉन रहते हैं, सबके भाई कोई ना कोई फेवरेट पोकेमॉन रहते हैं। तो आज की वीडियो में तुम लोग को अपने एकदम फेवरेट पोकेमॉन बताने वाला हूँ हर एक टाइप से, यानी कि 18 टाइप्स हैं। तो मैं अपने 18 फेवरेट पोकेमॉन बताऊंगा तुमको हर एक टाइप में से। और जैसे मैंने भाई साफ साफ बता दिया मैं अपने फेवरेट पोकेमॉन बता रहा हूँ, तो इससे भाई तुम्हें ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें उस टाइप में से कोई और पोकेमॉन पसंद हो तो, क्योंकि ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे जानने में काफी मजा आएगा। चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई नॉर्मल टाइपिंग के साथ में। नॉर्मल टाइप में मुझे जो पोकेमॉन सबसे ज्यादा पसंद है वो है स्नोरलैक्स। अब वैसे तो नॉर्मल टाइप में और भी काफी अच्छे पोकेमॉन्स हैं, इवन आरसीएस भी भाई नॉर्मल टाइप का ही है, लेकिन यहाँ मैं अपने ओपिनियन से अपना फेवरेट बता रहा हूँ तो भाई वो स्नोरलैक्स ही रहेगा। स्नोरलैक्स मुझे काफी पसंद है, ये एनिमे के अंदर भी बहुत मस्त रहता है, मतलब काफी फनी टाइप का पोकेमॉन है ये और काफी आलसी भी भाई, हमेशा सोता ही रहता है। लेकिन मैंने इसे गेम्स में भी बहुत खेला है और एनिमे के अंदर भी इसको इतना देखा है, और यार दोनों जगह पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। गेम्स में अगर तुम खेलोगे तो बहुत पावरफुल है ये, और एज का स्नोरलैक्स भी तुमने देखा होगा एनिमे के अंदर भी बहुत पावरफुल है। ओवरऑल मुझे नॉर्मल टाइप में सबसे बेस्ट यही लगता है भाई, मेरा फेवरेट स्नोरलैक्स है। नेक्स्ट टाइपिंग आती है फायर टाइप। फायर टाइप में तो मेरा सबसे फेवरेट चार्जार्ड ही है। चार्जार्ड से भाई सबका अलग ही कनेक्शन होता है, मुझे पता है सिर्फ मेरा नहीं है, काफी लोगों का फेवरेट होगा, क्योंकि यार हमने इसको एकदम स्टार्टिंग से देखा है, ये कैंटो का पोकेमॉन है तो हम सबका कनेक्शन इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा है। ऊपर से भाई ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है तो कौन ही इसको पसंद नहीं करेगा, तो भाई मेरा तो फेवरेट है फायर टाइप में चार्जार्ड। नेक्स्ट टाइपिंग आती है ग्रास टाइप। ग्रास टाइप में तो मुझे सबसे ज्यादा सेप्टाइल पसंद है। अगर तुमको नहीं पता तो ओवरऑल मुझे सबसे ज्यादा जो पोकेमॉन पसंद है ना, सबसे फेवरेट पोकेमॉन मेरा सेप्टाइल ही है। सेप्टाइल भाई मेरे को सबसे गजब लगता है, और ऐश के सारे पोकेमॉन में से मेरे को सबसे बेस्ट भाई उसका सेप्टाइल लगता है। काफी मस्त पोकेमॉन है यार, मतलब ये काफी कूल टाइप का, इसका डिजाइन तुम देख सकते हो कितना ऑसम है और इतना पावरफुल भी है। तो हाँ यार ग्रास टाइप में तो मेरे लिए सबसे बेस्ट भाई सेप्टाइल ही है, और वैसे भी मेरा फेवरेट सबसे ज्यादा सेप्टाइल है। अगली टाइपिंग आती है ड्रैगन टाइप। ड्रैगन टाइप में मेरा सबसे फेवरेट है भाई ड्रैगनाइट। भले यार ड्रैगन टाइप में रैक्वेजा, गार्चोम जैसे इतने तगड़े तगड़े और खतरनाक पोकेमॉन है जो कि ज्यादातर लोग के फेवरेट होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रैगन टाइप में मेरे लिए सबसे फेवरेट भाई मेरा ड्रैगनाइट ही है। ड्रैगनाइट भी काफी ऑसम पोकेमॉन लगता है मुझे, इसका डिजाइन भी बहुत मस्त है, और इसको भी यार कितना मजा आता है जब हमने ऑरेंज आइलैंड के टाइम पे देखा था, काफी गजब पोकेमॉन है यार ये। नेक्स्ट टाइपिंग है आइस टाइप। आइस टाइप में भाई मेरा सबसे फेवरेट है मैमोस्वाइन। मैमोस्वाइन भाई मेरा स्टार्टिंग से एकदम फेवरेट नहीं था, लेकिन यार जब से ये पोकेमॉन यूनाइट के अंदर आया और मैं इसी से खेलता हूँ पोकेमॉन यूनाइट में, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है भाई ये, तो तब से यार पोकेमॉन यूनाइट खेलने के बाद ये पोकेमॉन मेरा कुछ ज्यादा ही फेवरेट बन चुका है, और अब तो भाई मैं जब भी कोई पोकेमॉन गेम खेलता हूँ इसको पकड़ता ही हूँ भाई, क्योंकि यार अब मेरे को बहुत मस्त लगने लग गया यार ये पोकेमॉन। तो अभी करेंटली भाई आइस टाइप में मेरा फेवरेट मैमोस्वाइन बन गया है। नेक्स्ट टाइपिंग आती है इलेक्ट्रिक टाइप। अब देखो इलेक्ट्रिक में मोस्टली सबका फेवरेट तो पिकाचू ही होगा। पिकाचू तो भाई सबका ही फेवरेट होता है क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलर है ना ये, काफी लोग तो भाई पोकेमॉन को पिकाचू के नाम से ही जानते हैं, तो सोच सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, ऊपर से इतना क्यूट है तो सब लोग का फेवरेट रहता है, तो मेरा भी ये फेवरेट है। लेकिन इलेक्ट्रिक टाइप में पिकाचू को हटा के बात करो, पिकाचू तो है फेवरेट, लेकिन उससे फिर मेरा एक और पोकेमॉन है जो कि है इलेक्टिवायर। इलेक्टिवायर भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसका डिजाइन बहुत ऑसम लगता है, और भी यार ये ओवरऑल बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, और पॉल के पास जब मैंने इसको देखा था तब से ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, काफी गजब पोकेमॉन है। तो हाँ मेरा फेवरेट इलेक्ट्रिक टाइप में रहेगा भाई इलेक्टिवायर। नेक्स्ट टाइपिंग है फाइटिंग टाइप। फाइटिंग टाइप में सबसे बेस्ट मेरे को लगता है मेरा फेवरेट है हाउलूचा पोकेमॉन, हाउलूचा या फिर हलूचा जो भी इसको बोलते हैं, तो यार ये मुझे काफी पसंद है, इसका डिजाइन ओवरऑल बहुत मस्त है, और एक्स वाई के अंदर भाई ये मुझे काफी पसंद था जब एश ने भी इसको पकड़ा था, तो हाँ ये मुझे काफी मस्त लगता है, और मैंने पोकेमॉन अल्ट्रा सन के अंदर भी इसको कैच किया था क्योंकि काफी मजा आता है भाई इसके साथ खेलने में भी, तो मेरा फेवरेट है भाई फाइटिंग टाइप में हाउलूचा। वाटर टाइपिंग आती है अगली टाइपिंग। वाटर टाइप में भाई मेरे को सारे स्टार्टर्स बहुत मस्त लगते हैं, स्टार्टर्स के अलावा भी बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जो मेरे काफी फेवरेट हैं, लेकिन सबसे फेवरेट तो डेफिनेटली भाई ग्रेनिंजा रहेगा। ग्रेनिंजा तो भाई किसका फेवरेट नहीं रहता, मुझे भी ग्रेनिंजा तुम सबकी तरह ही बहुत ज्यादा पसंद है, इसका डिजाइन क्योंकि इतना ऑसम है और जिस तरह से एनिमे में हमको ये दिखाया गया था कौन भाई इसका फैन नहीं बनेगा, तो हाँ डेफिनेटली वाटर टाइप में तो ग्रेनिंजा। नेक्स्ट टाइपिंग आती है स्टील टाइप। स्टील टाइप में तो भाई दो पोकेमॉन्स मेरे एकदम फेवरेट हैं जो कि है सिजोर और लुकारियो, ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और स्टील टाइप में मेरे एकदम फेवरेट हैं, लेकिन अगर एक चुनना होगा तो मैं चुनूंगा सिजोर को। देखो काफी लोग भाई इससे ऑफेंड हो सकते हैं, मतलब ज्यादातर लोगों को लुकारियो ज्यादा पसंद होता है, लेकिन भाई स्टील टाइप में मेरा फेवरेट सिजोर है यार, ये पोकेमॉन मुझे बहुत गजब लगता है, तो डेफिनेटली हाँ मेरा ओपिनियन है जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे फेवरेट बता रहा हूँ मैं, तो हाँ सिजोर मुझे स्टील टाइप में सबसे बेस्ट लगता है।
नेक्स्ट टाइपिंग आती है रॉक टाइप। रॉक टाइप में मेरा सबसे फेवरेट है लाइकन रॉक, वो भी तीनों फॉर्म्स में से, वो मिडनाइट फॉर्म वाला। यार ये ना सबसे बेस्ट लगता है मेरे को तीनों फॉर्म्स के अंदर। देख सकते हो मतलब कितना खतरनाक लगता है भाई ये पोकेमॉन। इसका डिजाइन ओवरऑल बहुत मस्त है, इतना पावरफुल भी है, तो यार कैसे ये किसी का फेवरेट नहीं बन सकता। तो मेरा तो एकदम फेवरेट है भाई मिडनाइट फॉर्म वाला। नेक्स्ट टाइपिंग है बक टाइप। बक टाइप में सबसे फेवरेट है मेरा हेरक्रॉस। हेरक्रॉस ऑब्वियसली भाई एश का हेरक्रॉस देखने के बाद ही मेरा फेवरेट बना था, क्योंकि एश का हेरक्रॉस तुमको पता होगा कितना गजब पोकेमॉन है, कितना पावरफुल पोकेमॉन है, और भी यार इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है जो कि इतना खतरनाक है। तो हाँ ओवरऑल मेरा सबसे फेवरेट है भाई बक टाइप में हेरक्रॉस। नेक्स्ट टाइपिंग है डार्क टाइप। भाई डार्क टाइप पे इतने मस्त मस्त पोकेमॉन है ना कि मेरे काफी सारे फेवरेट हैं, लेकिन हाँ एक तो चुनना पड़ेगा, तो वो रहेगा भाई मेरे लिए सबसे बेस्ट एब्सोल। एब्सोल मैंने जैसे बताया भाई काफी सारी वीडियोस में भी कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे को ये इसका डिजाइन वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो इसको लेजेंडरी समझता था भाई क्योंकि इतना गजब दिखता है। और इसका मेगा एवोल्यूशन भाई, इसका मेगा एवोल्यूशन तुम देख सकते हो कितना गजब डिजाइन है यार इसका। और पता नहीं क्यों मतलब इसके मेगा एवोल्यूशन के बारे में उतनी बातें नहीं होती, जबकि इसका डिजाइन मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगता है। तो हाँ वैसे मेरा डार्क टाइप में सबसे फेवरेट भाई यही रहेगा। नेक्स्ट टाइपिंग आती है फेरी टाइप। फेरी टाइप में सबसे फेवरेट रहेगी भाई गार्डेवॉयर। गार्डेवॉयर काफी मस्त पोकेमॉन है यार, इसकी पावर इतनी ज्यादा है और डिजाइन भी इतना ऑसम है, तो मुझे फेरी टाइप के अंदर ये काफी ज्यादा पसंद है। सिल्वियन, टोगेपी, ये सब पोकेमॉन्स भी काफी पसंद है, लेकिन जैसे मैंने बताया एक चुनना है मेरे को, तो सबसे फेवरेट तो भाई गार्डेवॉयर है फेरी टाइप में। नेक्स्ट टाइपिंग है घोस्ट टाइप। इसमें तो भाई नो डाउट मेरा फेवरेट रहेगा गेंगार, क्योंकि गेंगार यार सबसे पहला वो पोकेमॉन था जिसने हमको घोस्ट टाइप से इंट्रोड्यूस करवाया था, और सबसे आइकॉनिक अब तक का कोई भाई घोस्ट टाइप पोकेमॉन है ना तो वो गेंगार ही है। तो डेफिनेटली यार ये मेरा फेवरेट हमेशा से रहेगा, बिल्कुल जेन 1 से यार ये मेरा फेवरेट है, और अभी तक कोई भी घोस्ट टाइप पोकेमॉन मुझे इससे ज़्यादा नहीं पसंद। नेक्स्ट टाइपिंग आती है साइकिक टाइप। साइकिक टाइप में मेरा फेवरेट है अलकाजाम पोकेमॉन। अब यार इसकी चम्मच को लेके वैसे काफी मीम्स बनते हैं जो कि पढ़ने में मुझे भी मजा आता है, लेकिन जो भी हो यार ये मेरा फेवरेट तो है साइकिक टाइप में, मतलब बेस्ट साइकिक टाइप लगता है भाई मेरे को ये, मेरे लिए फेवरेट है भाई अलकाजाम। नेक्स्ट टाइपिंग है फ्लाइंग टाइप। इसमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है टेरन फ्लेम पोकेमॉन। टेरन फ्लेम की यार बात ही अलग है, मतलब ये बहुत गजब पोकेमॉन है, इसका डिजाइन इतना मस्त है, और ऊपर से ये पोकेमॉन भी इतना मस्त है, तो मुझे तो भाई सारे रीजनल बर्ड पोकेमॉन में से भी सबसे बेस्ट यही लगता है, और सारे फ्लाइंग टाइप में भी मेरा फेवरेट यही है। नेक्स्ट टाइपिंग है पॉइजन टाइप। इसमें सबसे ज्यादा फेवरेट रहेगा मेरा निडोकिंग। निडोकिंग भी मुझे काफी पसंद है, और खासकर इसके डिजाइन के चलते, क्योंकि इसका डिजाइन मेरे को बहुत गजब लगता है, और ऊपर से इतना पावरफुल पोकेमॉन है यार किसको ही नहीं पसंद होगा। पॉइजन टाइप में वैसे काफी सारे पोकेमॉन्स हैं अच्छे अच्छे, लेकिन सबसे ज्यादा तो मेरे को यार यही पसंद है, तो मेरा फेवरेट निडोकिंग है। नेक्स्ट टाइपिंग है ग्राउंड टाइप। अब यार ग्राउंड टाइप में मेरा फेवरेट रहेगा गार्चोम पोकेमॉन। ग्राउंड टाइप में मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है, हालांकि ड्रैगन टाइप में यार मतलब ड्रैगनाइट के कंपैरिजन में देखूं तो मुझे ड्रैगनाइट ज्यादा पसंद है, लेकिन अब ग्राउंड टाइप में तो यार इसके लिए मेरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सबसे बेस्ट मेरे को ग्राउंड टाइप में भाई गार्चोम भी लगता है, इतना पावरफुल पोकेमॉन है क्या ही बात करूं। ऊपर से इसका डिजाइन है कितना यार गजब डिजाइन बनाया है पोकेमॉन वालों ने, सही में यार मतलब बेस्ट पोकेमॉन है यार ये, ग्राउंड टाइप में एकदम फेवरेट है मेरा। वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। और तुम लोग को यार मेरे फेवरेट पोकेमॉन पसंद आए कि नहीं वो कमेंट में बता देना, और पहले तुम लोग सारे टाइप में अपना अपना फेवरेट पोकेमॉन बताओ यार, मेरे को काफी मजा आएगा जानने में। और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना पोकेमॉन कॉन्टेंट के लिए। मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।